हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन की लेबलिंग रिक्वायरमेंट के बारे में कि आपको लेबल पे क्या क्या प्रिंट करना है। एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपका लेबल होना चाहिए इन मेडिसिन का, उस पर जो भी हर्ब्स जो इंग्रेडिएंट आपने डाले हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको उसमें मेंशन करनी है, अलोंग विद देयर बोटैनिकल नेम, जो उनके बोटैनिकल नेम है उनके साथ, और वो किस फॉर्म में आपने इंग्रेडिएंट यूज किए हैं और किस क्वांटिटी में आपने उन इंग्रेडिएंट को यूज किया है, उसके साथ आपको वो पूरी डिटेल उस पर मेंशन करनी है उनके लेबल पे। अगर आप क्लासिकल मेडिसिन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अथॉरिटेटिव बुक से आपने वो रेफरेंस लिया है, तो आपको उस बुक का रेफरेंस देना है कि किस बुक के हिसाब से आपने उस क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाया है। अगर आपके जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और आपके लेबल पे उतनी जगह नहीं है, तो आप सेपरेटली एक प्रिंटेड इंग्रेडिएंट की लिस्ट उस पैकिंग के साथ डाल सकते हो और उसका रेफरेंस आप अपने प्रोडक्ट के लेबल पे दे सकते हो। जो आपकी मेडिसिन है अगर उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो शेड्यूल E1 के अंतर्गत मेंशन है और वो इंटरनल यूज के लिए यूज की जा रही है, तो उसके लेबल पे काजन वर्ड काजन टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन लिखना कंपलसरी है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। अगर हम दूसरी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो जो हमने अभी मेंशन किया है उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपके लेबल पे मेंशन होनी चाहिए। आपकी मेडिसिन का नाम आपके लेबल पे होना चाहिए। अगर क्लासिकल मेडिसिन है तो जो अथॉरिटी बुक्स में जो नाम मेंशन किया गया है वो आपको सेम वहाँ पे प्रिंट करना है, और जो अगर आपकी पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन है तो आप ब्रांड नेम वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का मेंशन करेंगे। कितना नेट कंटेंट है आपके प्रोडक्ट का, वो 100 ग्राम है, 100 ml है, 200 ग्राम है, 200 ml है, 500 ml है, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। कितनी टैबलेट है, 30 टैबलेट है, 60 टैबलेट है, वो आपको अपने लेबल पे मेंशन करना है। आपके प्रोडक्ट की पैकिंग पे जो मैनुफैक्चरर है उसका नाम और उसका एड्रेस क्लियरली मेंशन होना चाहिए। मैनुफैक्चरर का मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस मेंशन होना चाहिए, आप उसको किसी फॉर्म में लिख सकते हो, मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, MFG लाइसेंस नंबर या ML, वो आप लिख के आपका मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस वहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी है। जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, किस लॉट से बनाया है, किस बैच से बनाया है, तो उसका बैच नंबर, उसका लॉट नंबर आपका वहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। उस प्रोडक्ट की डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग क्या है या डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है वो भी मेंशन करना कंपलसरी है। आपका वो जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक के अंदर आता है, सिद्धा के अंदर आता है या यूनानी के अंदर आता है, उसी हिसाब से आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन वहाँ पे लिखना कंपलसरी है। अगर आपकी जो मेडिसिन है वो एक्सटर्नल यूज के लिए है केवल, तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली आपके मेडिसिन पे लिखा होना चाहिए। अगर आप अपनी मेडिसिन को फ्री सैंपल एज ए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड उस पे प्रिंट होना जरूरी है। तो सभी आयुर्वेदिक सिद्धा या यूनानी मेडिसिन पे ये सारी जानकारी लिखी होनी जरूरी होनी चाहिए और उस इंक से होनी चाहिए जिसको आप मिटा ना सके।